अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है, और इस वक्त हम जो व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाते हुए ही कर रहे हैं। क्यों, टाइम थोड़ा सा, तो जल्दी से नाश्ता बनाया और पहले आप वो देख लो। अच्छा, फिर नाश्ता वगैरह बनाया और फिर अब हम दोनों जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। ओके लेट्स गो। मौसम की अगर बात करें तो अभी सुबह के 9 बज रहे, 9:30, 10 बजे हमारी क्लास है, और हल्की हल्की धूप धूप सी है। पता नहीं दोपहर तक क्या बनता है, लेकिन देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह इट विल बी ऑल राइट। 2 सेकंड्स लेटर, ये जी हम पहुंच गए ईस्ट कैंपस और एक क्लास ले ली है, बाकी क्लासेस भी लेते हैं। और ये खड़ा है यावर, स्माइल। हाँ जी, तो क्लासेस हो गए हम फ्री, और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1 का, और अभी हम गुजर रहे थे फलोशत से, यहाँ का एक बड़ा मशहूर पार्क। हम यहाँ आके ये सोचने लगे कि थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं घर, और घर जाके क्या बनाना है, घर जाके कढ़ाई गोश्त क्या नहीं, अच्छे बोलते क्या, बड़े दिन हो गए हैं, अंदर खुशबू आवे, जतून प्याया। बस आज बैठ जाओ जरा थोड़ी देर, यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं जी। ये गाड़ी खड़ी है, मैं जाल छोड़ देगी, ये यावर के झूले हैं, चले जाइए इस पे, चले जाइए बाबा फ्री। पेंटिंग्स को देख रहे थे हम, तो माशाल्लाह काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, अलबत्ता बहुत अच्छी हैं लेकिन काफ़ी महंगी हैं। अभी ये सामने जो है ये ऑलमोस्ट 12,000 की भी उसने बताई है, और ये जो है फुल वॉल के लिए ऑलमोस्ट 20,000। हमें जो पसंद आई थी, जो हमने सोचा कि इंशाल्लाह घर लेके जाएंगे, तो वो एक ये थी और एक ये थी, ये 10,000 सोम की और ये 8,000 सोम की, लेकिन वो कहता कि कम हो जाएगा। खैर अभी हम देख ही रहे हैं, विंडो शॉपिंग काफ़ी प्यारी प्यारी बनी हुई है माशाल्लाह। यहाँ ये देखें, ये तो बाकी आर्ट गैलरी यार, मज़ा है यहाँ तो, जितनी देर खड़े रहे उतना कम है। एक एक तस्वीर को देखते रहो, देखने के कौन से पैसे देने, लेकिन फिर भी यार माशाल्लाह बहुत अच्छी। वो देखिए वो फ्लावर वाली कहाँ, वो देख ये सामने, सामने भी ये भी है अच्छे, वो वाला देख ये चेक करें, 3D ग्रीनरी, और यहाँ पर सुकून माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। और ये देखें जी फाउंटेन्स, ये काफ़ी बड़ा पार्क है, वो उधर तक और उधर से वॉक शॉक से फ्री होके अभी हम यहाँ बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे हैं। ये साइकिल्स का ओनर आज है, तो हम कोई साइकिलिंग कर लें। वो क्या वैसे कितने मिनट का किया, वो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट में मैंने 5 मिनट मैंने पक जाना है, जितनी गर्मी है ना, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं अब वो गाड़ी तेज चलाएगा, तो ये पता पहले बराबर हमने चला रहे। खैर इतनी देर मैं आप लोगों को ये दिखाता चलूँ कि यहाँ पर ये बड़ा रिवाज है स्कल्पचर का ना, ये इनके जो लीडर्स वगैरह रह चुके हैं या वॉरियर वगैरह रह चुके हैं, योद्धा वगैरह, तो ये उनके स्कल्पचर वगैरह बना के और लगाते हैं। ये देखें यहाँ 3 हो गए, ये वो देखें सामने 4-5, और इस तरह भरे भी होते हैं। वो देखें 3 वो और हैं, ठीक है, वो उनका मनास का है, ठीक है, जो पलोशत के सामने झंडा लगा हुआ है, किर्गिस्तान का काफ़ी बड़ा झंडा, और वो घोड़े पे ना मनास है। और उसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ना स्कल्पचर वगैरह स्कल्पचर लगे होते हैं। वो सामने साइकिल वाला तो नहीं आया भाई, अलबत्ता ये पलोशत है, पलोशत के सामने म्यूज़ियम है, तो क्योंकि हमारी क्लासेस हो गई हैं ख़त्म, और माशाल्लाह हमें 3.5 साल हो गए हैं बिश्केक में, लेकिन आज तक हमने कम चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, तो हमने कहा चलो चलते हैं आगे। आप लोगों को दिख भी रहा होगा द नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, लग रहा है एंट्री हो जाए, मुझे नहीं पता कि क्या सीन है एंट्री का। ये हम आ गए जी अंदर, और
ये देखें, काफी एंटीक चीजें हैं। ये आई थिंक सो एक्सेस वगैरह हैं, जो कुल्हाड़ी वगैरह होती है, और बाकी ये बर्तन वगैरह। और ये चेक करें आप, ये पत्थर हैं, स्टोन टूल्स। स्टोन कलेक्शन इज गुड। देखिए छोटा छोटा पत्थर कैसे इन लोगों ने संभाल के रखे हैं सारे। और यहाँ कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ हमारे जूतों की आवाज़ है। हाँ ये कर लो पहले। बोला अगर तू इस जमाने में होता तो तुझे इसमें सालन मिला। और आप इस पर रोटी पकाते। शहराज और यावर। और ये जी इनकी बस्तियाँ, बस्तियों की वो बनी हुई है हिल स्टेशन। ये अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या है ये। और सामने ये कमरा बंद करके इधर गोल्ड का जो है ना एंटीक पीस पड़े हैं। ये जी सिल्क फैब्रिक, और ये लकड़ी के सामान कुछ। और ये फिर से हमारे पास आ गए मटके। एक अच्छी बात लगी है कि यहाँ पर इन्होंने शुक्र है इंग्लिश में लिखा हुआ है, और आम तौर पर इंग्लिश में नहीं लिखे होते। और ये जी स्टोन स्टैचू, वो उसका मुंह है, आंखें शांखें बहुत छुत बना रखे हैं इन्होंने। और ये है जी 8th-9th century का। रिंग्स चेक कर। रिंग्स वो कितनी वो सिंपल सी है, वो जो सबसे फर्स्ट में पड़ी हुई टूटी हुई है आधी तो। पुरानी होगी ना, इस वजह से टूटी हुई है काफ़ी। अच्छा अलॉन्ग विद दीज इन लोगों ने स्क्रीन्स पे लगा रखे हैं, जहाँ इनकी हिस्ट्री जो है इन लोगों ने बताई भी है। इनके योद्धा वगैरह हैं, ये बाबा का आयत था इनका। क्या लिखा है, मोहम्मद कश्करी बरशकनी, बरशकनी करशकनी बरशकनी। तीन वॉल्यूम है हमारे, जिस तरह वो बीडी के होते हैं, बीडी चरसिया 1 2 3। और ये देखिए जी अरेबिक राइटिंग, सुना था आज देख भी लिया है कि पत्थरों पे लिख दिया था जब कर। और ये जी सिक्के चकली है मशरूत का किराया वापसी। और ये जी इनका मनास है, जो इनका सबसे बड़ा जिसे लोग मानते हैं वॉरियर टाइप, लाइक जो जिसने इंडिपेंडेंसी ले गई थी। और ये उसकी कब्र है, मकबरा उसका। चल आ गया मुसलमान है पर थोड़े थोड़े। और ये फिर से इस्लामिक लिटरेचर। और ये देखे जी शेख तेरा नाम ही आया हुए, ये कुरान पाक है, शेख तेरा नाम भी आया हुआ थे शेख कामिल। और ये दूसरे मजाहिब के, ये देखिए लिखा हुआ है फ्रेगमेंट ऑफ द वेसल विद द इमेज ऑफ द क्रॉस। बुद्धा पड़ा हुआ लाहौर म्यूजियम में, मैंने देखा था उसकी इमेज या ओरिजिनल। सर उसकी तस्वीरें ना भी नहीं है लाहौर म्यूजियम में। अच्छा हाँ, लाहौर म्यूजियम में तो फ़ोन शोन ले लेते हैं पहले। ये तो हर दिन के यहाँ रखे हुए हैं इनके, जो जो दिन थे बुद्धाज इस्लाम क्राइस्ट। ये जी हम वहाँ से गए थे ऊपर, उधर से ऊपर गए थे, और फिर यहाँ से आ गए वापस, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर्स देखने के लिए। अभी तक हम लोग नीचे ही थे और ऊपर आए हैं, तो ऊपर आके पता लगा कि ऊपर तो और ज़्यादा माहौल है। ये इनके जो मतलब पड़ाव वगैरह के लिए बैठते थे ये लोग, इनके राजा महाराजा जो भी होते होंगे। और ये सूट चक्कर यार, इनके बंदे बड़े हैं फिर चलो, इनका सूट देख रहे हो साइज कितना बड़ा है। वो मोटे ताजे होंगे ना इस वजह से। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन, देंगे ना यार महाराजा महाराजा।
और ये चेक करें जी, ये उनकी वेस्ट वगैरह वॉरियर्स की, और ये पूरा और ये पूरा उनका आर्मर, हेलमेट भी है। ये सारी चीज़ें पहननी है और उसके बाद फिर आपने तलवार चलानी है, मतलब पॉसिबल है, हो सकता है अली? क्या ये सारी चीज़ें पहनो? ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे, डाइट डिफरेंट थी, अभी के लोग तो नहीं कर सकते, तब के लोग कर सकते थे। पूरे हो गए और ये देखते साथ हमारे पैसे पूरे हो गए जी, बंदूकें पड़ी। ये इनका ट्रेडिशनली देख जबरदस्त यार, मज़ा आया है। 150 वसूल हुए हैं, इनकी औरतों के हैं जी कपड़े, और ये मर्दों के, अलबत्ता इस तरह के तो आजकल लॉन्ग कोट्स भी चलते हैं, और ये जी इनके कारपेट वगैरह, ये टूल्स वगैरह जिससे ये कारपेट वगैरह बुनते थे, और ये देखिए जी स्किन ऑफ वुल्फ, ये गिलहरी, गिलहरी होगी लाजमन, मार्टिन, और ये देखिए जी और ये जी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए स्टोरेज के लिए, जिस तरह आजकल हम शॉपर वगैरह यूज़ करते हैं तो उस वक्त ये यूज़ होते थे, ये आई थिंक सो लेदर के बने हुए हैं जिस तरह हम औरतुगल वगैरह में देखते हैं। हाँ देखा ना, स्मॉल वेसल लेदर, और ये देखते देखते कहाँ गया, और अली इतनी जल्दी जी गायब हो गया, आ गया आ गया। ये चेक करें जी, ये वो एरिया है जहाँ से आज कल के हमारे टीनेजर्स कुछ रिलेट कर सकते हैं, ढोल, ये जी बाजा, इतना बड़ा बाजा, और फ्लूट्स वगैरह, एंड फर्दर वी हैव गिटार्स। अच्छा काफ़ी किस्म किस्म के गिटार हैं इनके ना, अब आजकल भी जो है ना हमारे फ्लैट पे, मेरे दोस्त है उसके ना फ्लैट पे पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं ऐसे रंग बिरंगे से ना गिटार, इतने बड़े बड़े, अली मर्दान के फ्लैट पे है ना। हाँ वो ऐसे छोटे, ये वो है पु 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 पु, वो जो सलमान खान नहीं जब पागल, कैसे हैं ये नहीं मैंने पहले देखा हुआ, मैंने भी नहीं देखे मेरे पहले, ये बाजा इतना बड़ा कैसे है? वही तो मैं कह रहा था, ये तो तेरे से भी बड़ा है, ये तो तुझसे भी बड़ा है, ये तो मेरे से भी बड़ा है, ये दो वाली और ना तो फिर ये बाजा बनता। और ये है जी हमारी ज्वेलरी, हमारी नहीं वैसे म्यूजियम में VIP किस्म की, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है उस ज़माने की और इस ज़माने की, ये गले के हार वगैरह हो गए, ड्रामास में दिखाते हैं औरतुगल वगैरह में, वो सब कुछ वैसे के वैसे ही है जैसे यहाँ पड़े हुए चीज़ें। और ये जी बैंक नोट, ये कहाँ रखते होंगे? ये तो ये कमर में लगाते होंगे शायद। और ये जी सिलाई, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। उस वक्त भी, उस जमाने में भी सिलाई मशीनें थी, साबिर की सिलाई मशीन, ये देखें जी इन औजारों से बनाते थे बुलेट्स, और वो हथकड़ी आ गई जी अपनी, और ये है जी हमारे काम की चीज़ें। पहले आपको यहाँ से पढ़वाऊँ, 20वीं सेंचुरी के औजार मेडिकल के, ऑलमोस्ट सेम ही है वैसे, कुछ इतना तो डिफरेंट नहीं है। 5th फ्लोर पर जा रहे हैं, और ये छत देखें किस कदर प्यारी है माशाल्लाह। 5th फ्लोर पे आए हैं, और ये देखें सिविल वॉर के, सोवियत यूनियन के ज़माने के ओवरकोट्स, और इतनी इन्होंने प्रिसीजन से हर चीज़ रखी हुई है ना, ये मॉडल है, ये भी मॉडल ही है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अब ये शख्स है कैप्टन, और उसकी बुक आई थिंक से जो पासपोर्ट वगैरह होगी वो तक सेव है, और ये उस ज़माने का कोट है। सेम हेयर, पर्सनल बिलोंगिंग्स, सिगरेट केस, ये रहा, और ऑर्डर बुक, अभी तक चीज़ें सेव हैं, ये तलवारें वगैरह और पिक्चर्स तक अभी तक 1919 में
पिक्चर्स तक सारी क्लियर है अभी तक सारे नहीं जिंदा है आई यू गेमिंग है ये जी कटलरी का सामान और ये नमकदानी वगैरह मिर्चें बकायदा अंदर रखी हुई भी हैं अभी तक ये फिर मशीन आ गई और ये चेक करें जी ये उस ज़माने के जूते हैं और इस तरह के जूते आज भी चलते हैं जो थोड़े बहुत लॉन्ग होते हैं मेरे पास भी हैं वैसे और जैकेट चेक करें इस ज़माने कदीम की जैकेट्स हैं और आज के ज़माने में भी इस तरह की जैकेट्स काफ़ी महंगी हैं ये चेक करें एक साइड से फोक है एक साइड से स्पून है पेंट कोट चेक करें जी फ्रेश एज न्यू ये अब इन्होंने ना अलग अलग हर बंदे की हर चीज़ जो जो मिली है इस तरह एक शख्स की पूरी और इस तरह वो भी एक शख्स की हैं और वो भी एक राइटर है उसकी हैं जिसका उन्होंने पेन वगैरह भी रखा हुआ है ये देखें जी बाइनोकुलर्स और ये देखें जी डीपी जो पबजी में होती है ना डीपी डीपी पड़ी हुई है और ये देखें जी कार 98 और टॉमी ये पबजी वाले समझ सकते हैं ये अलबत्ता चोरों वाला मास्क लग रहा है मुझे जिस तरह पाकिस्तान में चोरों वाला होता है उफ ये कौन कहता पुराने हैं परेड यूनिफॉर्म और ये देखें जी परेड यूनिफॉर्म मेजर जनरल का इस पर बैजेस देखें सिर्फ आप अल्लाह हू अकबर ये जी म्यूजिक डिवाइसेस और यह जी टेबल उस जमाने की और ये देखें जी क्लोव से बना हुआ एक पूरा शिप क्लोव क्या होता है जी लॉन्ग जो हम दांतों में रखते हैं ना लॉन्ग वे मैं लाची तेरे पीछे आग वो वाला जो दांतों में रखते हैं ये उससे बना हुआ पूरा एक शिप है इंडोनेशिया की तरफ से गिफ्ट मिला था जो पहले बताया कि एक पूरा पूरा वार्डरोब जो है ना इन्होंने एक बंदे पूरे पूरे बंदों का अलग कर रखा है ये उस आदमी की आइडेंटिटीज ऐनक वगैरह मेडल्स और मज़े की चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि ये किसी और बंदे का और ये उसकी घड़ी पड़ी है एक और ये उसकी घड़ी दूसरी ये देखें लेदर से बनी हुई है घड़ी जी प्रोफेसर साहब फर्स्ट हार्ट सर्जरी कर रहे हैं और ये सारे टूल्स वगैरह हैं ये देखें जी उस ज़माने की स्टेथोस्कोप किस कदर खूबसूरत दोनों के लिबास हैं किस कदर खूबसूरत अगर वो भी पसंद नहीं आए तो आप ये देखें अच्छा खैर लिबास की बात हो रही है लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊं कि हम यहाँ पिछले 1 घंटे से हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा शुगर लग रहा है वो हमारे जूतों की आवाज़ हो गया चीं पाँ लगी हुई है आज तो हम पैसे देंगे जी एप्पल सैमसंग खरीद लेते हैं ये उस ज़माने के कैमरे चेक करें आप वैसे हैं तो 3 कैमरे 11 प्रो मैक्स की तरह ये 3, 5 और 1 वाला भी चलता है और इनमें से अलबत्ता कोई नोट भी नहीं है हमारे पास अभी ये है अलबत्ता 2000 का नोट अभी भी यही वाला चलता है और ये फर्दर और मेडल्स हैं ये देखिए जी चेस एक अच्छी बात है कि इन लोगों ने ऑलमोस्ट हर चीज़ इस म्यूज़ियम में रखी हुई है बेशक वो साइंटिस्ट हो बेशक वो एक्टर हो बेशक किसी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हो ठीक है वो एक्ट्रेस के जनाब वहाँ पर अवार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं अभी वहाँ पर एक सर्जन है सर्जन को भी पिछले साल अवार्ड मिला है ये भी इन लोगों ने लगा रखा है तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये चेक करें जी VIP चाइना की तरफ से गिफ्ट था साउथ कोरिया की तरफ से गिफ्ट 24K गोल्ड प्लेटेड ये भी देखे जी गोल्डन वायलिन बाहर चल के साइकिलिंग वगैरह करते हैं थोड़ी सी वरना भाई चलते हैं 4 बजे आ जाना है शहराज ने और हमने उससे वादा ले लिया है कि आज उसे कढ़ाई खिलाएंगे क्या खिलानी है उसे
कढ़ाई पेंसिल चिकन कढ़ाई कैंसल कैंसल शराज आएगा ना आज बोलना है यार थक गए बोलो पेंसिल शराज कढ़ाई कैंसिल द ग्रेट फ्लैग ऑफ किर्गिस्तान एंड द एपिक मनास जो किर्गिस्तान का झंडा है इसके नीचे दो सोल्जर्स खड़े होते हैं जिनकी ऑलमोस्ट एक दिन बाद जो है चेंज होती है क्या कहेंगे उसे ड्यूटी से हम लोग आए हैं बाहर और अब हम लोगों ने ले लिए साइकिल्स वाह अली सुकून का माहौल जी बिल्कुल सुकून का माहौल इधर वैसे मैं पहले भी आया हूँ फलोशत के सामने वाला पार्क है साइकिल लो आप 100-100 मतलब पाकिस्तानी 250-300 रुपए में एक घंटा सुकून से चलाओ ये जी हम दोनों साइकिल चलाते चलाते वो उसी पार्क में आ गए जहाँ कौन सा मदनी पार्क ये जो झूले पे बैठा था आप लोग अगर सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा अच्छा खैर अभी हमारे पास 40 मिनट और हैं और दुख की बात यह कि मैं जो म्यूज़ियम में गया था और इतनी वीडियो शूट कर रहा था उस चक्कर में मेरी बैटरी जो है वो 10% रह गई है क्या पता बाकी ब्लॉग मैं घर जाके शूट करूं लेकिन जब तक है उस तक इसको खाली करेंगे बिल्कुल और अभी जो है वो वीडियो बनाते बनाते कैमरा मेरे पास आया है और तलहा भाई ने मुझे कैमरा खुद पकड़ाया ताकि आप मेरी वीडियो बना सच का साथ इंसाफ का साथ पीटीआई को वोट दे पिछले 50 मिनट से साइकिल चलाते चलाते और 2 घंटे म्यूज़ियम के बाद हमने ली आइसक्रीम और खाते जा रहे हैं 4 बजे हमने शराज को कहा था कि आपकी हमारे घर जाना खाना है दावत है और 4 बज गए और अभी हम लोग यहीं पर हैं शाबाश देखिए आज हमारी आउटिंग बहुत ज़्यादा हो गई आउटिंग नहीं हमारे आउट हो गया आज और चल 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 अब क्योंकि जेब में पैसे हैं तो इसलिए जो है ना वो आराम से बैठते नहीं और अभी हम आ गए मैक बर्गर के बर्गर खा के घर जाएंगे अच्छी भली वो बस जा रही थी उसमें हम चले जाते घर लेकिन बस हम दोनों जहाँ साथ हों फिर ऐसे होता है